सिरोही नगर परिषद में सभापति कक्ष का कलेवर सोमवार को काफी बदला हुआ था। दीवारों पर नया रंग, नई तस्वीरें, गुलदस्तों का डेकोरेशन और इन सब से इतर सभापति के बैठने के लिए नई ऑफिस चेयर और टेबल। नवनियुक्त सभापति महेंद्र मेवाड़ा खुद नई नई कार से नगर परिषद पहुंचे। सब कुछ नया नया देखकर एक बार तो किसी की भी इच्छा एशियन पेंट के उस विज्ञापन की पंच लाइन दोहराने की हो जाए कि वाह महेंद्र बाबू, नई गाड़ी, नई टेबल, नई कुर्सी, लाल कार, लाल शर्ट और लाल कारपेट उनके शगुन अपशगुन की मान्यता की ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन सदगुरु न्यूज के सवाल पर जब नवनियुक्त सभापति ने ये माना कि जब कई नई जगह जाते हैं तो भारतीय परंपरा के अनुसार कुछ नया करना एक शगुन अपशगुन रहता है और ये बदलाव भी उसी के तहत है, ये कहने से पहले नवनियुक्त सभापति शायद ये भूल गए कि वो एक ऐसी जवाबदेही वाले पद पर आ गए हैं जिसका एक एक पैसा जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का है, जिसे उनके शकुन अपशकुन की मान्यता के लिए बर्बाद नहीं किया जा सकता। पुरानी कुर्सी टेबल बदहाल नहीं थी, इसके बावजूद जनधन के सिर्फ शकुन अपशकुन के लिए दुरुपयोग करना किसी भी सूरत में सराहा नहीं जा सकता। नवनियुक्त सभापति खुद एक व्यवसायी हैं, संभवतः उनके लिए ये बदलाव पे खर्च हुआ पैसा हाथ का मैल हो, लेकिन आम जनता के लिए ये फिजूल खर्च संदेश है कि उन्होंने नेतृत्व कैसे हाथों में दिया है। पूजा पाठ, शकुन और अपशकुन तो उनसे पूर्व के कार्यभार ग्रहण करने वाले सभापतियों ने भी कम नहीं किए होंगे, लेकिन उनके कर्म फल ने उन्हें कहाँ पहुँचा दिया ये किसी से छुपा नहीं। बहरहाल सत्ता बदलने के बाद जो एक बड़ा बदलाव और देखने को मिला वो है दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरों का। सभापति कक्ष की दीवारों पर जहाँ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामाचरण मुखर्जी जैसे भाजपा के आयकनों की तस्वीर थी, तो अब वहाँ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे कांग्रेस के आयकन की फ़ोटो लग चुकी है। नहीं बदले हैं तो सिर्फ गांधी, जिन्होंने इसी दीवार पर लटके हुए दो सभापतियों को सुदृढ़ भारत के उनके अपने सपनों को तोड़ने का आरोप झेलते हुए देखा है। और अब शायद उसी दीवार से टकटकी लगाए अपनी ही पार्टी के सभापति को इस आशा से देख रहे हैं कि वो उनके मितव्ययता और सुदृढ़ स्थानीय निकाय के सपनों को साकार करेगा। आपके कमरे का फर्नीचर का भी चेंज लग रहा है, ये शगुन है या कुछ डेकोरम चेंज करने के साथ? ये शगुन ही समझो, थोड़ा के एक किसी अपन घर में कुछ छोटी भी चीज लाते ना तो उस पर तिलक करते हैं, नया कुछ चीज, इसलिए शगुन ही समझो।